रमेश शर्मा, राष्ट्रीय एकता दल के माध्यम से आपके बीच में आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय रखना चाहता हूं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के इश्यूज होते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय एकता दल कैसे काम करेगा। मैं उसका एक प्रैक्टिकल डेमो आपको देता हूं। हालांकि राष्ट्रीय एकता दल में जो कमेटियां बनेगी लोकल गांव की या पंचायत की, उन लोगों का भी इस पे बहुत सारा रोल रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगी मुद्दों को सॉर्ट आउट कराने में। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति कंप्लेंट करता है, कोई भी उसको समस्या होती है, और उस कंप्लेंट को जब वो करता है तो फिर वो अधिकारियों के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, उनको बताता है कि साहब मेरी ये समस्या है, समस्या का समाधान कराइए। लेकिन एक व्यक्ति कई महीने तक, एक महीना, दो महीने, तीन महीने उस कंप्लेंट को करते 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 थक जाता है और अल्टीमेटली उसका समाधान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत आगे तक उसको कभी एक्शन के पास जाना पड़ता है, कभी ऐसे बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के पास आते होंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। हमारे बीच में इस तरह का एक मुद्दा आज सुबह ही आया और हमारे पास का था तो हमने उसको समझने का प्रयास किया। मुद्दा यह था कि जैसे ये सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पे मेरे सहयोगी जैसे दिखा रहे हैं, यहां पर जो बारिश जब होती है तो पूरा पानी जो है वो बह के ऑब्वियसली ढलान की तरफ चला जाता है। अब कई बार जब पड़ोस में एक दूसरे के प्रति इंसान की भी सोच होती है कि यार इनका पानी इनकी वजह से आ रहा है तो मेरे घर में आ रहा है, तो आदमी कहीं ना कहीं उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे चाहे पहाड़ गिर जाए, बाढ़ आ जाए तो सब कुछ सह लेगा, लेकिन अगर कोई पड़ोसी की गलती से कोई पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली किसी आदमी को लगता है यार इनकी वजह से मेरे यहाँ पानी आ रहा है। ऐसा बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की बात करूं, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। तो पड़ोसी अगर पड़ोसी से बैठ के उसका समाधान करे और एक दूसरे का दर्द समझे तो मुझे लगता है उसका समाधान बड़े आराम से किया जा सकता है। कोई सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई कर्मचारी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सरकार डिपार्टमेंट के पास वैसे लेबर नहीं होती है, आजकल बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इस तरह का मुद्दा यहाँ पर बलिया स्कूल है, मेरे देखिए राजकीय उच्च विद्यालय बलिया के पास में यहाँ पर एक मुद्दा था, जहां पर ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पानी जब सड़क का यहाँ आता है तो यहाँ पर क्या था कि ये पाइप जो है, ये छोटा सा पाइप डाल के अब इन लोगों ने अपने घर के लिए एंट्री बनाई है, क्योंकि गाड़ी भी ले जानी है, बाइक भी ले जाना है, तो यहाँ नाली ना रहे, ताकि एक रैंप सा बनाया, लेकिन नीचे भी पाइप भी डाल दिया ताकि पानी जाता रहे। इनकी इंटेंशन ठीक थी, इनकी इंटेंशन खराब नहीं थी कि इनको पानी रोकना था, लेकिन समय के अनुसार अभी ये पाइप है ये छोटा पड़ गया, बारिशें भी ज्यादा हो रही है, ये पाइप 4 इंची का 5 इंची का पाइप है तो ये छोटा पड़ गया। ये छोटा पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ मिट्टी आती है, सारी मिट्टी मान लीजिए रुक जाती है, रुकने के बाद पानी जो है वो सड़क पे आ जाता है और सड़क से ढलान की तरफ मान लीजिए इस घर में चला जाता है नीचे, और जाहिर सी बात है सड़क भी खराब होती है और किसी घर के आंगन में पानी चला जाता है। अब ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिनका ये घर है, उन्होंने कई बार इस बारे में लिखित शिकायत दी पीडब्ल्यूडी को कि ये सड़क का पानी है, इसको रोक के इनको, हालांकि घर वालों को इनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस विषय पे, लेकिन इन्होंने पीडब्ल्यूडी को बोला कि भाई इसकी वजह से हमारे घर में पानी चला जाता है तो इसको आप ठीक करें। अब मार्च महीने में कंप्लेंट इन्होंने दी थी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनके लगभग 4 महीने हो गए, 4 महीने तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस कंप्लेंट को कोई अभी तक समाधान नहीं किया था। लेकिन अभी एक दो दिन में इन्होंने 1100 नंबर पर कंप्लेंट कर दी, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स करी, तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट के अंदर आया, डिपार्टमेंट ने आकर यहां पर देखिए कल जो इस पाइप को यहां पर डाल दिया। अब देखिए ये पाइप तो इन्होंने डाल दिया, लेकिन इस पाइप को डालने के बाद में यहां का समस्या तो खत्म हो गया, लेकिन अभी नीचे का समस्या जो है वो ज्यों का त्यों रह गया। तो अब बात यह आती है कि हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अभी जेई साहब से बात करी, उनसे मैंने पूछा कि क्यों ना इसका भी समाधान किया जाए, तो अभी मैंने जब बात की है तो उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी ही समाधान करेंगे। तो मैं पहले जो अंकल जी जिनका ग्रीवियंस है, जिनकी समस्या है हमारे संगठन के माध्यम से, ये मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं कि हमारे लोग कैसे मिलकर इस समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। अब देखिए इस परिवार, इस समस्या के साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, एक पीडब्ल्यूडी जुड़ा हुआ है, एक ये कंप्लेनर जुड़े हुए हैं, और एक जो परिवार जिन्होंने पाइप डलवाया हुआ ताकि इनके घर को गाड़ी वगैरह चल गए, एक वो जुड़े हुए हैं। अब देखो हैं तो सारे मिलके एक ही, अब अगर मान लीजिए कोई सोचे कि भाई इनको फांसी चढ़ा दो, इनको सजा करा दो, इनके ऊपर FIR करा दो, बात सही नहीं बनती, या फिर इनको दर्द रहे इनकी वजह से वो भी सही नहीं बनती, इनका भी परिवार है, इनकी भी जिंदगी, इनका भी घर है, ये भी परेशान है, तो ये सही कहीं कि हम सब लोगों का ये रोज का समस्या है। तो हमने इसका समाधान कराने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से बात की और पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई साहब ने अभी मुझे कहा कि ठीक है जी, इसके अंदर भी हम कोई सोल्यूशन करके पाइप डाल देते हैं। अब वो पाइप डालते हैं, इसका क्या समाधान करते हैं इनका अपना मैटर है, लेकिन मैं पहले जो पड़ोसी हैं उनसे ही बात करा रहा हूं। ये बिटिया हमारे बीच में खड़ी हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात यहां पर की है, मैं पहले अप्रिशिएट करूंगा इनकी सोच को। इन्होंने ये कहा कि अंकल अगर हमारी वजह से इनको दिक्कत है, ये हमारे को पहले बोलते तो शायद हम पहले भी इसका कोई सोल्यूशन करते, और पीडब्ल्यूडी को हमने पहले 2-3 बार बोला है लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इस पर नहीं काम किया, क्या वजह रही इस पर हम बात करेंगे बाद में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बात करें जाकर, लेकिन पहले मैं
तो बिटिया से बात कराऊंगा। बेटा आप अपना नाम बताइए। और भारती, जैसे कि अभी ये समस्या आप देख ही रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पाइप छोटा मुंह है तो पानी उधर चला जाता है, तो इनके घर में पहुंच जाता है। अभी आपके सामने ये समस्या भी आई, तो अब आप लोग अगर इस समाधान को लेकर, तो आपका क्या मानना है? मैं तो अभी यही बोल सकती हूँ कि अगर अंकल को कोई भी प्रॉब्लम थी ना, एक बार वो हमसे पहले बात कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पापा ऐसे है ना कि वो आराम से बात करते हैं हर किसी से, अगर कोई भी उनको इशू हो। अब अंकल ने, अंकल को ऐसा लगा कि ये, चलो अंकल ने पीडब्ल्यूडी को मान लिया, पीडब्ल्यूडी समाधान करेगा। पापा को पता लगा था थोड़े टाइम पहले कि उन्होंने करी है, तो उन्होंने खुद भी बात करी थी उनके जेई से, क्योंकि पापा तो वैसे भी इसमें उन्होंने बात करी थी कि आप वो कर दो। तो उन्होंने वो अंकल की कंप्लेन की, और वो जो भी इन्होंने किया था 1100 नंबर कंप्लेन डाली थी वो कल करके चले गए। लेकिन उनको ये लगा कि यहाँ पे शायद पानी चल, क्योंकि 6 इंच की पाइप है, 4 नहीं अंकल, ठीक है, करेक्ट, 6 इंच की पाइप है, 5 इंच की पाइप है, चलो 6 की, क्योंकि मैं, ठीक है, मेरे पापा उसी डिपार्टमेंट में, तो मेरे को ज्यादा बताया 6 इंच की पाइप है एक तो ये, ठीक है, और यहाँ से पानी जाता है हर बारी, और अगर जो पानी थोड़ा बहुत ऐसा है कि नहीं वो ओवरफ्लो होके जाता है, उसके अगर उनको अभी भी दिक्कत है, तो हम अपनी तरफ से, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि आपने बात करी आई से पीडब्ल्यूडी से, तो अगर वो कर देते हैं इसका सही, क्योंकि हमें तो ऐसा है कि रैंप तो होना ही चाहिए, क्योंकि आगे भी स्लैब डले हैं, तो ऐसा तो होना कि अगर बीच में आप ये ऐसे छोड़ दो, चलो आपकी तरफ से सब खत्म हो गया, बाकी आगे की बात आगे देखेंगे। तो देखिए, जैसे अभी यहाँ बिटिया ने बात बताई कि ये जो समस्या है, मैं बेसिकली मैं तो इनको बोल भी नहीं रहा हूँ कि ये सड़क पे पाइप डालें। पीडब्ल्यूडी देखेगा इस बात को, पीडब्ल्यूडी विभाग इस बात को देखेगा कि यहाँ पर नाली रखनी चाहिए, यहाँ पाइप रखनी चाहिए, और फिर पीडब्ल्यूडी इनके साथ क्या बात करता है, इनको कैसे कंसेंट पे लाता है, किसने डाली है, ये इनका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है डिपार्टमेंट को ये बात बताना कि सड़क के ऊपर जहां भी अवरुद्ध हो रहा है, पानी होने के चांसेस हैं, उसको खुलवाने के लिए जेई इसकी जिम्मेवारी है कि वो कैसे खुलवाएंगे, और उस खुलवाने के बाद में किसी आदमी को उसमें अगर समस्या दिक्कत आ रही है, तो उनका आपस में पीडब्ल्यूडी का कंसर्न है कि पीडब्ल्यूडी उनके साथ कैसे बात करता है कि आप यहाँ पर नाली बना दें या पाइप डाल दें। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ रास्टेक टबल। हमारा मोटिव सिर्फ डिपार्टमेंट को ये बात पूछना और बताना है, और एक आदमी की समस्या का समाधान करना है। मैं पहले अंकल जी के पास लेकर चलूंगा। तो अभी अंकल जी हमारे बीच में है, इनका एक ग्रीवियंस था, और देखिए आम आदमी को, कॉमन आदमी को हमेशा यही रहता है कि अगर कोई समस्या है तो पड़ोसी से कभी बात करने से बात बिगड़ जाती है, बहुत कम ऐसा होता है, या तो कोई मीडिएटर हो बीच में मध्यस्थता करने के लिए, जैसे रास्ते एक टबल एक मध्यस्थता करने का माध्यम बना रहे हैं हम लोग, कि अगर पड़ोसी को पड़ोसी से भी समस्या है तो पड़ोसी के साथ मध्यस्थता करने का हम संगठन के माध्यम से प्रयास करेंगे कि वहां पर बिना कोई लड़ाई झगड़े के आपस में मध्यस्थता होकर काम हो जाए, डिपार्टमेंट तक बात पहुंचने की जरूरत नहीं पड़े, यही सॉर्ट आउट है। अंकल जी, यहाँ पर आपका जो समस्या था, अभी समस्या जो है आधा तो सॉर्ट आउट हो गया, आधा सॉर्ट आउट इधर किसका बोला है, जेई साहब ने बोला कि इसको भी करा रहे हैं, अगर आपकी समस्या समाधान हो जाती है तो फिर कोई आपत्ति तो नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं। चल ठीक है, कोई आपस की मतभेद कोई नहीं रहेगा, सिर्फ समस्या यही है कि ये पानी जो है, पानी जो है वो शॉर्ट आउट यहाँ से हो जाए। ऐसा तो नहीं कि कल को वहाँ से ऊपर से पानी स्कूल से निकलता हो, आए वो आपके घर में चला जाए? नहीं, उसके लिए हमें कोई समस्या नहीं, उसकी कोई समस्या नहीं, मतलब इनकी यही समस्या है कि यहाँ से आपका हो जाए, ये अगर आपका समझौता हो जाए, सारा ये काम हो जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है जी, तो लीजिए जी, अब यहाँ पर अंकल जी की बात हमने पूरी करा दी है कि अब ये इनका पाइप का यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग से, अब हम लोग इस पे जो है वो जाकर डिपार्टमेंट, जैसे एक संगठन के माध्यम से हम जाएंगे डिपार्टमेंट से, भी हम यही सवाल पूछेंगे कि आपको जो शिकायत आई है उसका समाधान कितने दिन के अंदर आप कर देंगे। डिपार्टमेंट जो टाइम लेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग हम उतना समय देंगे, और उस समय के बाद अगर डिपार्टमेंट काम नहीं करता है तो डिपार्टमेंट से फिर सवाल पूछा जाएगा कि आपने इतने दिनों में ये काम क्यों नहीं किया। बड़े सिंपल तरीके से संगठन काम करेगा, और इसी तरह से जो भी कमेटियां बनी होंगी, जो लोकल कमेटीज बनी होंगी, वो लोकल कमेटीज एक दूसरे की मदद करेंगी, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर कोई व्यक्ति उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो नियमों के अनुसार जो एक समाज में सरकार के नियम बने हुए, कानून बने, उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ डिपार्टमेंट के खिलाफ बात की जाएगी, डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बस यही चीजें जो है वो संगठन के माध्यम से, मीडिया का भी सेम यही रोल है, लेकिन संगठन में लोग आपस में एक दूसरे के समझौते करने के लिए, एक दूसरे को समझाने और प्रयास करने के भी काम करेंगे। सब ये पड़ोसी खड़े हैं, देखो मैं इनसे ही बात करूंगा, बींग ए नेबर, आप लोग पड़ोसी हैं आपस में, पड़ोसियों के नाते अगर किसी भी पड़ोसी को समस्या होगी तो दूसरे पड़ोसी को समस्या का समाधान करने के लिए खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, और उसका मानना चाहिए, अपनी गलती को फॉलो करना चाहिए जी, मेरी गलती है, मेरे से करते हो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। हाँ, अभी आप मानते हैं कि यहाँ पर पानी रुक रहा है, वो थोड़ा इस वर्ष में बोल रहा हूँ, बाकी शहर में भी बोल रहा हूँ। हाँ जी,
मेरा इससे कोई मतलब नहीं, मैं बोलूंगा मेरे पड़ोस में नहीं, नहीं, मैं जनरल मैं पूछ रहा हूँ कि इस तरह की समस्या और भी बहुत ज्यादा होती है, तो हर आदमी को मिलजुल के एक दूसरे को समझ के करना चाहिए। सबसे बेहतर है हर जगह जाने के बाद इधर जाना, प्रेम से रहे, प्रेम से हमें लेना क्या देना क्या है पता नहीं, घड़ी जीना है नहीं जीना है उसके हाथ में है, प्रेम से रहेंगे ठीक है, एक दूसरे गाली क्रोध करेंगे ऊंचा पूटा करेंगे बात बिगड़ती जाएगी। मतलब आप सहमत है इस बात से कि मिलके हमें कर लेना चाहिए? मैं तो हर टाइम सहमत हूँ, इसलिए मैं उसका उदाहरण दूंगा आपको, आप इस कोर्ट में आएंगे तो मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा जी, शिकायत नहीं मैं चर्चा करूंगा जी जी बाद में पहले आप ठीक है जी। तो इस तरह से ये संगठन काम करेगा बड़े ही प्रेम पूर्वक आपस में, जो लोग काम करना चाहते हैं मिलके इस संगठन के साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ भी कई समस्या हो सकती है, आपका भी कोई ग्रीवेंस हो सकता है, इस संगठन के माध्यम से आप बात उठा सकते हैं, आपके जानकार किसी व्यक्ति का हो सकता है, तो इस संगठन में एक मतलब एक ऐसी ताकत हो जाएगी कि आपस में हम दूसरे का रिगार्ड करते हुए अपनी समस्या को समाधान करेंगे। तो मैं डिपार्टमेंट से फिर एक बार अनुरोध करूंगा, क्योंकि जीवन उत्साह का जो मंच है उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता बल अपनी बात वहां पहुंचा रहा है, बात तो एक ही है लेकिन अब संगठन काम करेगा, लोग काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, पहले एक आदमी काम करता था, फर्क इतना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, एक बार फिर इन्होंने आपस में मिलकर ये समझौता आपस में किया है और डिपार्टमेंट इसमें अभी आए, इसको जैसे ही काम कर देगा डिपार्टमेंट तो एक बार फिर हम डिपार्टमेंट की यहाँ पर जो भी अप्रिसिएशन है या डिपार्टमेंट जो काम करेगा उसकी बात जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।